नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शब्द और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूपीएससी स्टेट परीक्षा भर्ती संख्या 51 के बारे में। एक बहुत ही अच्छा आर्टिकल मुझे मिला है और इसमें थोड़ी सी कह सकते हो निराशा आपको हो सकती है, लेकिन आपके लिए इन्फॉर्मेटिव हो सकता है वीडियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब अगले साल ही शुरू हो सकेगी शिक्षक भर्ती। कैबिनेट से मंजूरी के बाद भी नए शिक्षा सेवा आयोग के गठन में देरी हो रही है, तो ये यहाँ पर इसकी जो टैगलाइन है, कह सकते हो आप, इसका जो हेडलाइन है वो है। और यहाँ पर हम जानते हैं कि यूपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती संख्या 51 में अभी तक जो पद हैं वो हैं 1017, और इसके लिए जो आवेदन की तिथि थी वो थी 31 अगस्त। तब से लगाकर अभी तक इसमें कोई भी जानकारी नहीं निकल कर आई कि आपका एग्ज़ाम कब हो सकता है। पहले हो रहा था कि एग्ज़ाम होगा, पुराना आयोग ही कराएगा, फिर पता चला कि जिसकी जो प्रक्रिया है वो नया शिक्षा सेवा चयन आयोग से ही पूरी की जाएगी, और इसका जो नया आयोग है वो भी बनने की राह में हो चुका है। कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है, कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद में इसका जो बिल है वो भी पास हो चुका है अभी। तो अभी यहाँ पर लेकिन इसका जो प्रारूप है, जो इसकी जो एक्चुअल में जो बनना है, जो आयोग बनेगा, वो कहाँ होगा, कैसे होगा, कुछ अभी पता नहीं है इसके बारे में। और इसका जो कार्यालय है वो भी कहाँ होगा, अब इसके बारे में भी कोई तय जानकारी नहीं मिली है। क्योंकि ये तो पता है इसका जो कार्यालय है वो प्रयागराज में ही होगा, लेकिन प्रयागराज में कहाँ पर होगा, कैसे होगा, और इसमें सदस्यों की संख्या तो पता ही है आपको, और सदस्य जो है उनकी नियुक्ति कैसे होगी, उसका जो अध्यक्ष है वो कैसे चुना जाएगा, यानी कि नए अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति को लेकर कार्यालय की स्थापना तक की प्रक्रिया पूरा करने में अभी तक 4 से 5 महीने का वक्त लग सकता है, 3 से 4 महीने का वक्त लग सकता है। इसका मतलब क्या है, आपका जो एग्ज़ाम है वो दिसंबर के बाद से में ही होगा, होने वाला है। अभी तो कोई इसके पहले होने की संभावना जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो गई है मेरे हिसाब से, और इस आर्टिकल के हिसाब से भी ऐसा ही हो रहा है। तो आप सभी जो है अपनी जो तैयारी है उसको करते रहिए, ठीक है। ऐसे में लंबित पड़ी शिक्षक भर्तियाँ और नई अब अगले साल ही शुरू हो सकेगी, ठीक है। सब कुछ जो है अगले साल तक ही चलने जा रहा है या टल गया है, कुछ ऐसा कह सकते हो। कि आयोग की स्थिति में आने के बाद लंबित पड़ी भर्तियों की परीक्षाएं की घोषित की जाएंगी, सब कुछ अब आयोग के बनने के बाद में ही होगा। सारा आयोग बनेगा, उसके बाद में उसमें जो रिक्रूटमेंट है वो होंगे, जो उसकी भर्तियाँ हैं वो होंगी। पहले नया अध्यक्ष बनेगा, वही सदस्य बनेंगे, इसमें नियुक्ति हो जाएगी उनकी, ठीक है। प्रतियोगी छात्र के संघर्ष समिति के प्रभारी हैं जो प्रसाद पांडे, उनका कहना है कि आयोग के गठन के बाद कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद भी भर्तियों को लेकर अनिश्चितता की स्थिति बनी हुई है। देखिए, अनिश्चितता जो स्टेट होती है, अनिश्चितता की स्टेट जो होती है, अनसर्टेनिटी का जो स्टेट होता है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक मुझे लगता है। और जब आपको पता नहीं होता कि आपको एग्ज़ाम की तैयारी किस हिसाब से करनी है, किस प्लान को लेकर आप चलेंगे कि आपका एग्ज़ाम इतनी जल्दी होने वाला है, इतना लेट होने वाला है। और अभी एक बात और है कि आपको ये भी नहीं बताया कि आपका जो ये फॉर्म है रीओपन होगा नहीं होगा, इसके ऊपर भी बहुत सारी जो कयास हैं लगाए जा रहे हैं कि आपका एग्ज़ाम जो है वो रीओपन होने जा रहा है, आपको नए लोगों को यहाँ पर मौका मिलेगा फॉर्म भरने का, तो ये भी हो सकता है। तो कह सकते हो आप, फिलहाल आपके पास यही है कि आप अपनी जो तैयारी है वो करते रहिए और जैसा होगा देखा जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ पर आपको कुछ जानने को मिला होगा, कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी आपको यहाँ पर, और आप निराश नहीं हुए होंगे, ठीक है। तो सो थैंक यू गाइस, अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को। और इसी के साथ 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 आप सभी मेरे इस चैनल से जुड़ सकते हो, जहाँ पर मैं आपको यूपीएससी स्टेट परीक्षा भर्ती संख्या 51 के रिगार्डिंग बहुत सारे वीडियोज़ तो बनाता ही रहता हूँ। इसके अलावा कॉमर्स की जो वीडियोज़ हैं वो भी आती रहती हैं साथ ही साथ, और कॉमर्स की जो तैयारी है आप कर सकते हो हमारे इस चैनल से जुड़कर। सो थैंक यू गाइस, गॉड ब्लेस यू ऑल।